हेलो बच्चों वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स वन एल्जिब्रा का चैप्टर नंबर सेवन जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स हम लोगों ने इसके पांच प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं वो आपको देखने तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आय के बाजू में लिंक आएगा उस पर क्लिक करो उस लिंक पर आपको लाइन वाइज सारे चैप्टर्स एल्जिब्रा के मैथ्स वन के मिल जाएंगे आज प्रॉब्लम सेट सेवन में जो हम लोग करने वाले हैं इसमें प्रैक्टिस सेट में जो किया है वो बहुत काम आने वाला है तो अगर आपने मेरे प्रैक्टिस सेट के वीडियोज नहीं देखे और डायरेक्टली प्रॉब्लम सेट सेवन देख रहे हैं तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आए और नहीं समझ में आ रहा तो सीधा कमेंट्स में ऐसे मत बोलो नहीं समझ रहा पहले एक बार प्रैक्टिस सेट के वीडियोस देख लो सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो फिर आके प्रॉब्लम सेट का वीडियो देखो ठीक है है बहुत इजी लेकिन डायरेक्टली देखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा ठीक है चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज नॉट प्राइमरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे नॉट प्राइमरी बोला है ठीक है प्राइमरी डेटा क्या होता था जो आप खुद जाकर कलेक्ट करते थे और दूसरा होता था सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी डेटा मतलब किसी और ने डेटा कलेक्ट किया है आप सिर्फ वो डेटा यूज कर रहे हैं okay? तो ये डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता था मेहनत लगती थी तो अगर डेटा कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लग रही है आप जाके इंडिविजुअली एक एक पर्सन से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो वो प्राइमरी डेटा होता है ठीक है तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन है बाय विजिटिंग अ सर्टेन क्लास गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स आप क्लास में जाके बच्चों की अटेंडेंस ले रहे हैं हर एक बच्चे की अटेंडेंस लेंगे मतलब आपने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया ऐसा नहीं कि आपने टीचर से जाके पूछा कि भाई रजिस्टर दिखाओ हम देखेंगे कितने लोग प्रेजेंट है कितने लोग एबसेंट है तो ये तो प्राइमरी है उसने पूछा है नॉट प्राइमरी तो ए तो आंसर नहीं हो सकता बी है बाय एक्चुअल विजिट टू होम्स टू फाइंड नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स ये भी प्राइमरी है क्योंकि आप हर एक घर में एक्चुअली जाके विजिट कर रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं कितने मेंबर्स हैं तीसरा है टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांटेशन ऑफ सोयाबीन डन बाई ईच फार्मर हर एक फार्मर ने कितना सोयाबीन प्लांट किया फ्रॉम द विलेज तलाटी विलेज तलाटी ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है शायद अपने सिविक्स में पढ़ा होगा ये तलाटी एक ऑफिसर होता है जो पंचायत में काम करता है एक दो गाँव के लिए भी सा, एक साथ हो सकता है या एक गाँव के लिए एक तलाटी हो सकता है जो गाँव का पूरा एग्रीकल्चर का इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है कि किसकी लैंड कितनी ज़्यादा बड़ी है बाउंड्रीज क्या है उसने अपने फार्म पर क्या ग्रो किया है ठीक है तो ये सारी इंफॉर्मेशन तलाटी के पास ऑलरेडी होती है तो आप डायरेक्टली हर एक फार्मर के पास नहीं जा रहे आप तलाटी के पास जाके उसने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है हर एक फार्मर की वो यूज कर रहे हैं तो ये हो गया अपना सेकेंडरी डेटा क्योंकि आपने खुद फार्मर से जाके नहीं पूछा आपने तलाटी को पूछा रिव्यू द क्लिनिनेस स्टेटस ऑफ कैनाल्स बाय एक्चुअली विजिटिंग देम आप केनाल्स जाके खुद देख रहे हैं कि वो साफ है कि नहीं है तो ये भी आपने खुद जाके डेटा देखा तो ये भी प्राइमरी है तो ओनली नॉट प्राइमरी इज ऑप्शन सी ओके तो ये फर्स्ट कदम सेकंड देखते हैं वॉट इज द अपर क्लास लिमिट फॉर द क्लास ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव जब भी क्लास दिया होता है जो नीचे होता है वो लोअर होता है जो ऊपर होता है वो अपर होता है तो यहां पे हमको पता है कि यहां पे अपर थर्टी फाइव है तो इसका आंसर आ जाएगा थर्टी फाइव बहुत ईजी है वॉट इज द क्लास मार्क ऑफ क्लास ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव क्लास मार्क कैसे निकालते थे क्लास मार्क निकालना भी बहुत ईजी था हम लोग क्या करते थे जो भी उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट है दोनों को ऐड करेंगे तो क्लास मार्क क्या आ जाएगा क्लास मार्क विल बी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दिख रहा है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय टू ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी प्लस फाइव फाइव मतलब सिक्सटी डिवाइड बाय टू टू थ्री जीरो पे थर्टी ऑप्शन होना चाहिए तो ऑप्शन डी अपना क्लास मार्क है क्या फॉर्मूला है

क्लास या एक्सक्लूसिव क्लास में क्या होता था जीरो से टेन में टेन नहीं आएगा टेन टेन से ट्वेंटी में आएगा ठीक है ट्वेंटी अगर होगा तो ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी में आएगा ओके तो जीरो से टेन में टेन नहीं आएगा टेन से ट्वेंटी में आएगा ये मैंने आपको सिखाया है आगे तो ऑब्जर्वेशन टेन पे आएगा टेन टू ट्वेंटी जो है ऑप्शन बी तो ये हम टिक कर देते हैं ओके फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ये मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा यहीं पर सॉल्व नहीं होगा तो फिफ्थ अभी पहले सिक्स सेवेंथ एथ खत्म कर लेते हैं इजी वाले क्वेश्चन यार सिक्स भी लिख के ही बताना पड़ेगा सेवेंथ भी लिखना पड़ेगा एट देख लेते हैं देखो एट में क्या दिया है वॉट इज द मोड ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी फिफ्टीन देखो यहाँ पे फिफ्टीन एक दो तीन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे मोड निकालना मैंने सिखाया ना आपको तो यहाँ पे फिफ्टीन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है करेक्ट जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो मोड होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मोड मोड आ जाएगा फिफ्टीन ठीक है तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म सेकेंड खत्म थर्ड खत्म फोर्थ खत्म एंड एट्थ खत्म देखते हैं इसमें और है क्या हाँ चलो इधर दिया हुआ है वॉट इज द मीडियम ऑफ सेवन टेन सेवन फाइव नाइन टेन तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो लिखना कैसे है मैंने प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी आपको बता दिया है तो वो देख के आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना असेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा पहले आ जाएगा फाइव फिर आ जाएगा सेवन फिर एक और सेवन फिर नाइन फिर टेन फिर टेन कितने नंबर्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अभी इवन नंबर है अगर इवन नंबर होगा तो बीच में कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं देखो अगर आप इसको बीच वाला नंबर लेते हो तो इसके आगे दो नंबर है पीछे तीन नंबर है बीच में होता तो आगे पीछे दोनों इक्वल नंबर होते यहां पर अगर नाइन लेते हो तो इसमें आगे दो है यहां पर पीछे तीन है नहीं चलेगा तो सेवन और नाइन दोनों झगड़ा करेंगे बोलेंगे हम दोनों बीच में है तो हम लोग क्या करेंगे हम दोनों का एवरेज ले लेंगे तो क्या आएगा सेवन 8, 8 प्लस मैं शॉर्ट में करा रहा हूं बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको सॉल्व करवाया है ओके तो यहां हमारा ये नाइन्थ क्वेश्चन भी खत्म होता है टेंथ में बोला है वॉट इज लेस देन टाइप फॉर द क्लास थर्टी टू फोर्टी यार अभी लेस देन टाइप बनाने बोला है तो पूरा टेबल बना के ही दिखाना पड़ेगा लेकिन अगर थोड़ा भी आपको याद है ना तो लेस देन टाइप ऊपर से शुरू होता है ठीक है तो आपको पता है सेवन है इसमें आएगा सेवन प्लस थ्री टेन टेन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस थर्टीन ट्वेंटी टू प्लस थर्टीन आ जाएगा थर्टी फाइव तो थर्टी टू फोर्टी में यहाँ पे थर्टी फाइव आ रहा था एड करके तो थर्टी फाइव है मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आपको ओरली सॉल्व करना है तो आपको पता है ऊपर से प्लस करना शुरू करते हैं तो यहाँ पे आएगा थर्टी फाइव तो इसका आंसर सी है लेकिन मैं बताऊंगा आपको ठीक है तो अभी हम लोग जो इसके बाकी के क्वेश्चन है फिफ्थ सिक्स एंड ये सॉल्व करते करते हैं चलो शुरू टें फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिखने में बहुत ज्यादा डरावना है लेकिन है बहुत सिंपल टेंशन मत लो मैं सिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन दिया है इफ एक्स बार इसके ऊपर जब ऐसी लाइन होती है तो उसको बार बोलते हैं तो यह एक्स बार इज द मीन ऑफ एक्स वन एक्स टू ऐसे बहुत सारे नंबर है एक्स एन तक कितने नंबर देखो वन टू थ्री फोर टोटल एन नंबर्स है एन कितना है हमको पता नहीं है हमको पता भी नहीं करना है ठीक है कुछ भी हो सकता है अगर एन टेन है, तो है. डॉट डॉट डाल दिया ठीक है वैसे ही वाई बार इज द मीन ऑफ वाई वन से लेके वाई टू वाई थ्री वाई एन तक दोनों जगह सेम नंबर है एन जो भी आएगा वो सेम आएगा एंड जेड बार इज द मीन ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन तक प्लस उसमें वाई वन वाई टू वाई एन मतलब ये सारे टर्म्स भी है और ये सारे टर्म्स भी यहाँ पे दोनों हैं ये किसका है बार है इसका मीन तो इन्होंने बार का वैल्यू पूछा है अब ये बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है एक्स बार इज द मीन बोला है। अभी हमको पता है जब भी मीन होगा तो मीन का फॉर्मूला क्या है अगर एक्स बार मीन है तो मीन का फॉर्मूला आएगा सम ऑफ ऑल स्कोर्स या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कुछ लोग हीरो बन के बोलेंगे वन टू थ्री तीन ऑब्जर्वेशन है क्या यहाँ पे ये डॉट डॉट क्या फ्री में ऐसे ही डाल दिया कुछ और ज्यादा लोग हीरो बनेंगे बोलेंगे सर वन टू फिर ये डॉट काउंट कर लेते हैं थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एट ये डॉट काउंट करना है क्या भाई ये डॉट का मतलब के बहुत सारे नंबर्स बीच में कहाँ तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एन तक एन कुछ भी हो सकता है ठीक है डॉट गिनने मत बैठना तो हमको पता है टोटल एन नंबर्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे पहले ऊपर तो नंबर्स को ऐड करेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ऐसे कहाँ तक जाएंगे प्लस एक्स एन तक और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास नीचे आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने ऑब्जर्वेशन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एन तक है तो नीचे आ जाएगा एन सिमिलरली वाई में भी सेम चीज दही है तो मैं बोलूंगा भाई वाई बार क्या आएगा वाई बार आएगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री ये कहाँ तक जाएगा वाई एन तक और नीचे कितने नंबर है देखो टोटल नंबर्स यहां पे भी काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एन तक जाएगा एलेवन मत बोलना एन तक जाएगा तो यहां पे एन लिख दी तो मुझे एक्स बार और वाई बार का वैल्यू तो मिल गया ये अपना हो गया वन ठीक है और ये हो गया अपना टू अब वो बोल रहा है जेड बार का वैल्यू फाइंड करना है ना जेड बार क्या है जेड बार इज द मीन ऑफ ऑल दीज नंबर्स ठीक है अगर वो सबका मीन है तो मैं क्या बोलूँगा ओके भाई कोई टेंशन नहीं है हम बोलेंगे z बार इज इक्वल टू क्या है नंबर्स x1 x2 x3 x4 x5 xn तक फिर y1 y2 yn तक तो हम लोग बोलेंगे z बार इज इक्वल टू x1 वन प्लस एक्स टू प्लस डॉट 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 प्लस एक्स एन तक फिर क्या है दूसरा y1 वन प्लस वाई टू प्लस कहाँ तक yn तक अब इसमें नीचे क्या आएगा कितने नंबर है टोटल देखो यहां पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एन तक एन नंबर यहां हो गए और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन एन नंबर यहां हो गए तो एन प्लस एन हो जाएगा टू एन तो टोटल नंबर हुए टू एन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना देखो यहां पे हमने वन से लेके एन तक काउंट किया था तो एन यहाँ पे वन से लेके एन तक इधर ही हुआ फिर वापस वन से लेके एन तक हुआ तो एन नंबर इधर है एन नंबर है एन नंबर प्लस एन नंबर्स एन नंबर प्लस एन नंबर क्या आएगा वन एन प्लस वन एन विच इज़ टू एन ओके अच्छा यहाँ पे मैंने एक्स थ्री वाई थ्री लिखा है उससे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी क्वेश्चन में नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लिखना है बट ठीक है आपको नहीं लिखना तो डॉट 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 डाल दो यहाँ पे ठीक है मत डालो ऐसे ही कर दो लिखते एक्स थ्री तो भी फ़र्क नहीं पड़ता आने ही वाला है एक्स थ्री ठीक है अब यहाँ पे इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन का ये वाले वैल्यू तो ये एन को यहाँ पे भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा उसका वैल्यू मुझे मिलेगा एन इंटू एक्स बार करेक्ट अगर इसका वैल्यू चाहिए तो एन को यहाँ पे भगाना पड़ेगा एन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा देर फॉर एन इंटू एक्स बार इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन सिमिलरली यहाँ पे नीचे मुझे अगर इसका वैल्यू चाहिए देखो ये रहा तो मुझे एन को यहाँ पे भेजना पड़ेगा तो मुझे मिलेगा देर फॉर ये एन यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा एन इंटू वाई बार विल बी एन वाई बार इक्वल टू यहाँ पे बचेगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई एन ये नंबर थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि हमको सिर्फ इसकी जरूरत है ठीक है ऊपर वाले को नंबर क्या फायदा और ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे अपने नंबर थ्री में ये है अपना नंबर थ्री ओके तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स एन ये जो वैल्यू है ये वैल्यू देखो यहां पे दी हुई है इसकी वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू है एनएक्स बार तो उसके जगह पे मैंने लिख दिया इक्वल टू एन एक्स बार ओके फिर बीच में क्या है देखो प्लस तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस अब y1 वन प्लस वाई टू प्लस डॉट 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 वाई एन देखो ये वाई वन प्लस वाई टू प्लस डॉट 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 वाई एन उसकी वैल्यू क्या है एन वाई बार तो वहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस एन वाई बार अपॉन क्या आएगा अपॉन जो टू एन है वो तो रह गई इतना समझ लो बच्चों ये जो है उसका वैल्यू एन एक्स बार आया ये जो वैल्यू उसका वैल्यू एन वाय बार आया इतने सारा कचरा था सिर्फ दो टर्म बचे ठीक है अब देखो इसके पास भी एन है इसके पास भी एन है दोनों के पास एन है तो एन बोलेगा यार मैं बार बार हर जगह जाके थक जाऊंगा यार दोनों को एक साथ ले लेता हूँ तो एन बाहर आ जाएगा कॉमन ले लेंगे हम उसको तो अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा यहाँ पे से अगर देखो एन गया तो बचा एक्स बार तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स बार बीच में है प्लस का साइन यहां पे से अगर एन गया तो अंदर क्या बचा वाई बार तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वाई बार ठीक है और नीचे क्या बचा नीचे बचा टू एन अब आप ये दोनों को कट कर सकते हो ना एन और एन को डिवाइड हो रहे ना दोनों डिवाइड में ये दोनों कट हो सकता है तो एन और एन कट जाएगा बचेगा क्या एक्स बार प्लस वाई बार बचेगा एक्स बार प्लस वाई बार अपॉन टू ये जो एन है ये तो कट गया पहले बाहर आया फिर कट गया तो मुझे z बार का वैल्यू क्या आया z बार का वैल्यू मुझे आया x बार प्लस y बार अपॉन टू है क्या ऑप्शन में ये रहा मस्त वाला ऑप्शन देखो तो हमारा आंसर हो जाएगा x बार प्लस y बार अपॉन टू देख लो एक बार अच्छे से ऐसे दिखने में बहुत डराना दिखता है क्योंकि आपको ना वन से लेके एन तक के बार डालने का सब आदत नहीं है कभी भी कुछ नया दिखता है ना तो पहली बार वो हमेशा डिफिकल्ट लगता है और एल्जेब्रा के ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना एक्स वाले वेरिएबल है ऑलरेडी डर लगता है वन टू थ्री आ गया डॉट आ गया बीच में उसके ऊपर बार भी दे दिया भाई क्या जान लेगा क्या बच्चे की बट ये आप थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ोगे तो यूज टू हो जाओगे तो ईजी लगेगा इसलिए पहले से दिमाग में से वो ख्याल निकाल दो कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं डिफिकल्ट नहीं है आपको इसकी आदत नहीं है डन चलो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया अपना सिक्स क्वेश्चन में दिया है द मीन ऑफ फाइव नंबर इज एटी आउट ऑफ विच मीन ऑफ फोर नंबर इज फोर्टी सिक्स फाइंड द फिफ्थ नंबर तो इसमें पांच नंबर थे तो मीन एटी था वो पांचवा नंबर निकाल दिया तो चार नंबर बचते हैं तो मीन फोर्टी सिक्स है आपको फिफ्थ नंबर निकालना है बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन है एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस है सेवन पॉइंट फाइव में कराया था क्वेश्चन नंबर टेन देख लो यहाँ पे मीन ऑफ फाइव ऑब्जर्वेशन दिया था वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन रिमूव भी लिख के भी दिया था नहीं लिखा तो भी

तो आप लोगों को वहां पे पूरा मेथड देखना है तो देख लो सेवन पॉइंट फाइव में यहाँ पे एम सी क्यू है इसलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ जो फिफ्थ नंबर है वो क्या आएगा सम ऑफ फाइव ऑब्जर्वेशन माइनस सम ऑफ फोर ऑब्जर्वेशन सेवन पॉइंट फाइव में मैंने आपको पूरा लॉजिक बता दिया देखो यहीं से लिया ये फॉर्मूला ठीक है अब इसमें देख लो सम ऑफ फाइव ऑब्जर्वेशन कैसे आता है सम ऑफ फाइव ऑब्जर्वेशन आएगा फाइव इंटू मीन्स है ठीक है सम ऑफ फोर ऑब्जर्वेशन क्या आएगा फोर इंटू मीन्स है अब ये पांच ऑब्जर्वेशन्स का मीन क्या था मीन ऑफ फाइव नंबर 80 तो यहाँ पे आ जाएगा एटी एंड चार ऑब्जर्वेशन का मीन क्या था मीन ऑफ फोर नंबर यहाँ पे आ जाएगा फोर्टी सिक्स बीच में क्या था बीच में दोनों के था माइनस साइन तो यहाँ पे माइनस डाल देंगे फटाफट फ़ड़ से कैलकुलेट करो फाइव एट जार फोर्टी साथ में ये जीरो माइनस फोर सिक्स ट्वेंटी फोर टू इधर फोर फोर जार्सटी प्लस टू एटीन तो आ जाएगा वन एटी फोर 400 में से 184 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा 400 हंड्रेड माइनस वन एटी फोर थ्री बन जाएगा ही नहीं दिया मतलब कुछ तो गड़बड़ देख लो मल्टीप्लीकेशन ठीक से किया है, सही है। तो या तो ये ऑप्शन घुसाना पड़ेगा या ये क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा ठीक है पीछे आंसर क्या दिया है चेक कर लेते हैं एक बार 66 दिया दिया ना पीछे आंसर तो पीछे आंसर 66 दिया है तो इसमें हमको जबरदस्ती करनी पड़ेगी अब ये 184 400 मतलब यहां पे इसको हम लोग 50 करेंगे तो 250 हो जाएगा है। तो ये फाइव नंबर का जो मीन है ना देखो एक्चुअल आंसर टू है लेकिन ऑप्शन नहीं है ठीक है तो ये इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है ये एट्टी को अगर आप फिफ्टी बना देंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे ये एट बन जाएगा फाइव और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फाइव इंटू फाइव हो जाएगा ट्वेंटी फाइव और जीरो और टू फिफ्टी में से एटी वन एटी फोर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा सोलह प्लस पचास मतलब सिक्सटी सिक्स तो ये आ जाएगा आंसर ठीक है तो अगर टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वो चाहिए तो ये एट्टी को कैंसिल करके फिफ्टी बना दो जैसे 80 रखा था और सॉल्व करेंगे तो आंसर 216 आएगा वो भी सही है यहां पे ऑप्शन ई e बना सकते हो कि भाई तूने रॉन्ग किया है ये इसका सही आंसर 216 है लेकिन आप ऐसा कर नहीं सकते देखो स्कूल में तो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक करके नहीं देंगे सेम क्वेश्चन और दिया रॉन्ग क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन के सबको फुल मार्क्स मिलते हैं ठीक है तो प्रे करो कि टीचर रॉन्ग ही कर दे क्वेश्चन है ना चलो तो सिक्स हो तो गया क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके आंसर राइट आ रहा है नेक्स्ट करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन है मीन ऑफ हंड्रेड ऑब्जर्वेशन इज फोर्टी उसमें से नाइन्थ ऑब्जर्वेशन थर्टी है इफ़ दिस इज रिप्लेस बाय सेवेंटी मतलब जो भी नाइन्थ ऑब्जर्वेशन था ऐसे पूरे नंबर से सौ उसमें नाइन्थ ऑब्जर्वेशन थर्टी था बाकी सब ऑब्जर्वेशन थे इफ दिस इज रिप्लेस बाय सेवनटी मतलब किसी ने बोला ये थर्टी हमको पसंद नहीं है भाई इसकी जगह सेवेंटी डाल दो कीपिंग ऑल दी ऑब्जर्वेशन अदर ऑब्जर्वेशन सेम ये सारे सेम है बाकी के नाइनटी नाइन ऑब्जर्वेशन सब कुछ सेम है बट एक भी चेंज किया तो मीन तो चेंज हो जाएगा ना तो जो नया मीन है वो पूछा है जूना मीन पुराना मीन फोर्टी दिया हुआ है अब नया मीन पूछा है अब ये भी हमने एक टाइप का क्वेश्चन सेवन पॉइंट फाइव में सॉल्व किया था देखो यहाँ पे द कैलकुलेटेड मीन ऑफ फिफ्टी ऑब्जर्वेशन वॉज एटी सेम क्वेश्चन है सिर्फ भाषा अलग है इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट ऑब्जर्वेशन नाइनटीन वॉज रिकॉर्डेड बाई मिस्टेक इज नाइन्टी वन लिखा था गलती से उसको रिप्लेस करके नाइनटीन करना है नाइनटी वन लिखा था तब ऑब्जर्वेशन मीन एटी आ रहा था नाइनटी वन को कैंसिल करके अब नाइनटीन लिखना है तो नया मीन न्यू मीन क्या है इधर ऐसे बोला कि गलती करी थी और ये वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है गलती करी ऐसे नहीं बोला बोल रहा है भाई रिप्लेस कर दो हमको सेवेंटी परसेंट नहीं है लैंग्वेज डिफरेंट है कॉन्सेप्ट तो सेम है तो यहां पे हमने क्या किया था देखो हमको पता है सम ऑफ जितना भी स्कोर से निकालना है तो क्या होता है मीन इंटू नंबर ऑफ स्कोर है ना फिर करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे निकाला था जो भी ये सम आया उसमें से जो स्कोर निकालना है वो माइनस कर देने का जो स्कोर ऐड करना है वो ऐड कर देने का ठीक है तो देखो कैसे आएगा सौ ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन क्या है फोर्टी तो ये फोर्टी और सौ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको सम ऑफ हंड्रेड ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा ना अगर मैं ऐसे सम ऑफ लिखू तो क्या आएगा आएगा मीन इंटू हंड्रेड मीन कितना है फोर्टी इंटू हंड्रेड ये हो जाएगा फोर थाउजेंड ठीक है अब वो बोल रहा है कि सौ नंबर तो रहने वाले लेकिन इसमें से जो नंबर थर्टी है जो थ्री जीरो थर्टी था उसको काट के हम उसके जगह सेवेंटी डाल देंगे तो ये फोर थाउजेंड के अंदर कहीं पे थर्टी था तो हम लोग क्या करेंगे न्यू सम विल बी इक्वल टू ये फोर थाउजेंड तो है ही उसमें से ये थर्टी माइनस कर देंगे क्योंकि निकालना है वो रिप्लेस करना है और उसके जगह पर कौन सा डालेंगे वो बोल रहा है कि उसके जगह पर डाल देंगे सेवेंटी तो हम लोग उसके जगह पे प्लस सेवेंटी डाल देंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा सेवेंटी माइनस थर्टी हो जाएगा फोर्टी फोर थाउजेंड प्लस फोर्टी हो जाएगा 4, okay, अब ये नया सम अपॉन नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने ऑब्जर्वेशन है देखो सौ थे उसमें से ये थर्टी निकाला लेकिन उसके जगह सेवेंटी डाला तो सौ तो रहेंगे तो अपना नया मीन क्या आ जाएगा देर फॉर न्यू मीन विल बी इक्वल टू नया सम विच इज़ फोर जीरो फोर जीरो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज हंड्रेड ये जीरो जीरो कट अगर ये जीरो ऊपर भेजना है तो डेसिमल पॉइंट एक आ जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्टी पॉइंट फोर है क्या ऑप्शन ये रहा मस्त वाला ब्यूटीफुल फोर्टी पॉइंट फोर ठीक है ये फॉर्मूला हमने पाँच हज़ार बार यूज कर लिया है सम ऑफ वट एवर ऑब्जर्वेशन निकालना है तो इट इज मीन इन टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इधर हंड्रेड है तो हंड्रेड ठीक है वही यूज करके फिर थर्टी को निकालना है सेवेंटी को डालना है तो थर्टी को निकालना मतलब माइनस सेवेंटी को डालना है मतलब प्लस कैलकुलेट करके फोर जीरो फोर जीरो आ गया डिवाइड किया मीन मिल गया गलती से यहाँ पे नाइनटी नाइन मत लिख देना क्यों ये नंबर को तो निकाल दिया निकाला नहीं है रिप्लेस किया है उसके जगह पे एक और नंबर डाल दिया है तो सौ के सौ नंबर तो रहेंगे ही रहेंगे ठीक है तो अपना सेवेंथ भी डन यहाँ पे तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा था इंपॉर्टेंट था ये हमने कर लिया सिक्स कर लिया सेवेंथ कर लिया ठीक है एथ तो मैंने आपको पहले ही करा दिया था अब सिर्फ बचता है ये नाइन्थ भी कर लिया टेंथ क्वेश्चन ठीक है तो टेंथ कर लेते हैं टेंथ भी ईजी है काफी तो ये टेबल बना लिया यहाँ पे देख लो जीरो टेन टेन ट्वेंटी ट्वेंटी थर्टी थर्टी फोर्टी फोर्टी फिफ्टी सेवन थ्री ट्वेल्थ थर्टीन टू सेवन थ्री ट्वेल्थ थर्टीन टू किसका पूछा है भाई कम्यूनिटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप थर्टी फोर्टी का तो ये अंडरलाइन कर लेते हैं इधर इसका पूछा गया है क्यूनिटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप ठीक है लेस देन टाइप कैसे शुरू करते थे लेस देन टाइप हम लोग शुरू करते थे यहाँ से ये सेवन का तो सेवन ही रहेगा फिर नीचे क्या आ जाएगा सेवन प्लस थ्री ये थ्री कहाँ से आया इधर से सेवन प्लस थ्री हो जाएगा टेन फिर ये टेन इधर आ जाएगा टेन में क्या प्लस कर देंगे ये ट्वेल्व तो टेन प्लस ट्वेल्व आ जाएगा ट्वेंटी टू फिर ये ट्वेंटी टू इधर आ जाएगा ट्वेंटी टू में क्या प्लस कर देंगे ये वाला थर्टीन तो ये प्लस थर्टीन कर देगा ट्वेंटी टू प्लस थर्टीन हो गया थर्टी फाइव अब यहीं पर रुक जाना है क्योंकि हम लोग को इसका ही क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी पूछा है देखो इक्वल टू थर्टी फाइव आ रहा है तो सीधा साधा यहाँ पे दिख रहा है थर्टी फाइव लेकिन जिसको इसके आप भी करना है देखो थर्टी फाइव प्लस ये टू ऐड कर देंगे थर्टी फाइव प्लस टू हो जाएगा थर्टी सेवन टेबल चेक करना है तो यहाँ पे इसका सम निकाल लो क्या आएगा इसका सम सेवन प्लस थ्री टेन टन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस थर्टीन थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस टू थर्टी सेवन देखो लास्ट वाला सेम आ रहा है ना थर्टी सेवन मतलब यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं किया ठीक है पर हमको इसी चीज में इंटरेस्ट है नहीं हमको सिर्फ ये वाले नंबर में इंटरेस्ट है थर्टी फाइव में तो आंसर इसका आ गया थर्टी फाइव क्योंकि थर्टी टू फोर्टी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप पूछा गया था ओके okay, तो आंसर है ऑप्शन सी आ गया समझ में तो इसी के साथ हमारा टेंथ क्वेश्चन भी खत्म होता है आंसर हमको ऑप्शन सी आया है तो हमने देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सर्कल किया बिकॉज अच्छा क्वेश्चन है सिक्स सेवन एट नाइन टेन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने कर लिए आज के लेक्चर वन में तो आज का प्रॉब्लम सेट सेवन का लेक्चर वन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉब्लम सेट सेवन अच्छे से समझ में आ जाए अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो कर लो सब्सक्राइब इतने डिटेल में हर एक प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन हर एक प्रॉब्लम सेट सेवन का क्वेश्चन कोई नहीं सिखाने वाला सब लोग आधे से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ देंगे ठीक है बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा जो क्वेश्चंस मैंने आपको खुद से सॉल्व करने बोले थे अगर आपने किए हैं और आपको राइट right आंसर आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने क्वेश्चन खुद से ट्राई किया और करेक्ट आया वो पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मुझे पता चलता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो वेस्ट नहीं हो रही जितनी मेहनत में हर एक लेक्चर बनाने में कर रहा हूँ वो किसी के काम आ रही है ठीक है थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो